देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार के शेखपुरा जिले के शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में विनोद कुमार शर्मा नजर आ रहे हैं। विनोद कुमार शर्मा 40 वर्षों से ही समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं। साल 2002 से ही राजनीति में जुड़कर जनता के बीच योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जुड़कर जिलाध्यक्ष रहे और अभी जदयू में बूथ अध्यक्ष है। विनोद कुमार शर्मा ने 2017 में प्रथम बार वार्ड पार्षद का चुनाव वार्ड नंबर 3 से लड़ा और जीत हासिल की। विनोद कुमार शर्मा ने अपने क्षेत्र की जनता का साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने समाज सेवी के रूप में जनता की सेवा करते रहे और अपने क्षेत्र में कई लोगों को पेंशन योजना दिलवाई, कई लोगों को राशन कार्ड दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना दिए, अपने वार्ड में साफ सफाई के कार्य करवाए। हमारे संवाददाता से विनोद कुमार ने बातचीत में कहा कि वार्ड नंबर 3 में जो विकास का कार्य होना चाहिए था मैंने किया। सबसे पहले क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार का माहौल खत्म किया। उन्होंने कहा कि इस बार के वार्ड परिषद 2022 के चुनाव में मैं अपने वार्ड नंबर 3 से वार्ड पार्षद का प्रत्याशी और अगर इस बार जनता मुझे मौका देगी तो मैं अपने वार्ड नंबर 3 नगर परिषद में सरकार द्वारा सारी योजनाओं को धरातल पर उतारूंगा। क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम होगा। गरीबों पर विशेष ध्यान होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई के क्षेत्र में कार्य होगा। वार्ड में स्वच्छता योजना के द्वारा साफ सफाई की जाएगी जिससे हमारा वार्ड स्वच्छ हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी में, हूं राजा सिंह। इन दिनों बिहार में नगर परिषद के चुनाव की चर्चाएं तेज हो चुकी है। ऐसे में जो भी प्रत्याशी है वो अपने लोगों से मिलना जुलना शुरू कर चुके हैं। आज हम पहुंच चुके हैं शेखपुरा नगर परिषद के क्षेत्र संख्या 3 में। यहां से वर्तमान वार्ड पार्षद विनोद कुमार शर्मा जी है जिनके पास हम अभी बैठे हुए हैं और इनसे जानेंगे कि अपने 5 सालों में किस तरीके के विकास का काम किए हैं। सबसे पहले आदर्श भारत टीवी में आपको विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है जी। आप बताएं कि यहाँ से 5 साल में किस तरीके के विकास का काम अपने करने का प्रयास किए हैं। 5 वर्षों में जो भी सरकार की योजना योजना मैं धरातल को उठाने का काम किया हूँ और विकास के काम में हमने तन मन धन लगा कर विकास का कार्य किया। मुख्य तौर पे ऐसे कौन कौन सी समस्या आपके साथ रही होगी कि जो कि करने का प्रयास पहला प्राथमिकता के तौर पे किए? पहला हमारा था नली गली बहुत गंदा था जी। लोग आते जाते थे, मंदिर भी जाते थे तो पैर में कीचड़ लगता था, नाला का पानी लगता था। सबसे पहला काम हमने वो किया कि पहले रोड बना दो, नली बना दो, जो कि मान ले सब लोग आए पूजा पाठ करने के लिए जा भी रहे हैं चलना। मैं सबसे मुद्दा था हमारा वार्ड में बहुत नली गली ऐसा था लोग आप भी जाना पसंद नहीं करते। कुछ क्षेत्र था हमारा अनुसूचित जाति का, वो हमारे सीमा पर थे वार्ड नंबर 8 का और 3 नंबर वार्ड का। कभी वो वार्ड पार्षद कहते थे कि हमारा सीमा नहीं है, उसको भी मैं सुलझा करके कैसे किसी तरह काम किया और मौका दिया लोगों ने। वो भी एक कीचड़ उसको लगता था करीब करीब औरतों को एक ठेवना कीचड़, उसको भी अनुसूचित जाति का महिला था उसको भी हमने सबसे पहला दिया कि रोड उसका बन जाए और गली नली भी बन जाए। उन्होंने सबसे पहला काम मैंने उसको किया और दूसरी बात जो भी गली नली था कृष्णा शाही के टाइम में गली बनी थी वो उसमें भी आने जाने का रास्ता नहीं था। डॉक्टर डीएन प्रसाद से लेकर के बबलू किराना दुकान तक आप स्वयं जाकर देख सकते हैं पूरा रोड बना हुआ है और जहाँ तक के भी जो भी छूटा हुआ है कार्य हम चाहते हैं कि नहीं हमारे समय काल में ही सब बन जाए। और एक रोड में बना रहा हूँ पैन हसन हमारे बॉर्डर पर ही है, वो आने वाला भविष्य में अगर कटरा चौक जाम हो जाता है तो राम जानकी मंदिर की गली से हेलेंगे लोग मोटरसाइकिल फोर व्हीलर लेकर के, वो सीधा निकल जाएंगे देवी स्थान के पास और देवी स्थान से वो सीधा निकल जाएंगे चांदनी चौक। उनको जाम की समस्या से मुक्त दिलाने के लिए वो करीब 40 लाख का योजना कार्य चल रहा है हमारे वार्ड में। और जो भी नली गली बचा हुआ है तो हम चाहते हैं कि नहीं अपने 5 सालों के दरमियान इसको पूरा कर दें। अगर नहीं पूरा हो सका जनता अगर हमको चाहा कि नहीं विनोद जी ही हमारे पार्षद रहें तो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ।
ऐसे शिक्षाओं के ऊपर किस तरीके के ध्यान देना चाहेंगे अपने वार्ड में? हम अपने वार्ड में सारे लड़के लड़कियां करते हैं पढ़ाई, पढ़ाई सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ी भूमिका है। ऐसे में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी लोग का जिंदगी उथल पुथल हो चुका था, इसमें आप किस तरीके का ध्यान दिए? कोरोना महामारी में हमने SDO साहब किसी को घर से निकलने नहीं देते थे जी। लेकिन मैं पास बनवा करके SDO साहब से DM साहब से अनुरोध करके मैंने पास बनवा करके पूरे वार्ड का भ्रमण करता था, पूरे शहर का भ्रमण करता था। और उस कोरोना काल में मैंने 350 राशन कार्ड गरीब गुरुवा को बनवाया, जो भी गरीब गुरुवा था सबको राशन कार्ड हमने 350 अपने वार्ड में एक भी छूटा नहीं, जिसको हमने बैठ करके अपने कोरोना काल में सबको बुला करके बारी बारी से सबको हमने राशन कार्ड दिया। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसीलिए गरीब गुरुवा को राशन मिल जाए हमने वो काम किया, 350 राशन कार्ड दिया। और कोरोना काल में एक एक घर जाकर मैंने हाल चाल उतारा, पूछते रहे कि नहीं कहीं को दिक्कत सिक्कत है, कहीं को बात है, हम बताए। ऐसे में जो अभी आपका वर्तमान में वार्ड 3 हुआ करता था उसको अब 26 में परिसमन सीमा होने चेंज होने के कारण 26 हो गया है, लेकिन इस बार पुनः आप यहाँ से वार्ड पार्षद का प्रत्याशी अगर रहते हैं तो आप किस तरीके का विकास करेंगे, कौन कौन से ऐसी समस्या लग रहेगी जो कि आपके सरकार में छूट चुके हैं? जो छूटा हुआ कार्य है आने वाला भविष्य में मैं पूरा करूँगा, जो भी छूट गया है मैं जनता से अपील करूँगा, जनता मालिक है, जनता मालिक है। और जनता मालिक है, जनता चाहेगी तो मैं फिर पार्षद सेवा करने का मौका दूँगा, मैं सेवा करूँगा, हमको कोई लोग नहीं, कोई लालच नहीं, जनता हमारे पास आती है, मैं उनको आदर सम्मान के साथ कार्य करूँगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के अपने वार्ड वासियों को और क्षेत्र वासियों को क्या संदेश, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने एक अच्छे कार्य के लिए मुझे सराहा आपके माध्यम से। मैं चाहता हूँ कि मैं 5 वर्षों तक फिर चुनाव आने वाला है, अब जनता मालिक है, अगर हमको पसंद किया चुना तो मैं 5 साल फिर सेवा करूँगा। तो ये विनोद जी थे, इनका कहना था कि जो मैंने विकास का काम किए हैं अपने क्षेत्र में 5 सालों में, उसको देखते हुए जनता मुझे दोबारा अगर मौका देती है तो मैं और बेहतर ढंग से विकास का काम कर सकूंगा और अपने वार्ड को एक आदर्श और एक विकसित वार्ड बनाने का लक्ष्य रखा हुआ। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए आदर्श भारत TV। नमस्कार।